कम ज़र्फ़ हैं, कम अक्ल हैं, ज़ेहनी पस्ती के शिकार हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। इमरान ख़ान से बदला लेने के लिए और इमरान ख़ान की सियासत को ख़त्म करने के लिए जो इनसे नहीं हो रही, कभी बोल पे, कभी दूसरे चैनल्स पे। अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जब तहरीक हम चला रहे थे तो आप यकीन जाने कि उस वक्त चैनल नहीं थे, एक PTV था, कोई PTV ने लोगों ने देख। यही हाल यहाँ पाकिस्तान में होने वाला है, अनकरीब आप देखेंगे, बल्कि हो चुका है कि ऐसे चैनल्स को नहीं देखा जाएगा जो इमरान खान को नहीं दिखाएंगे और इमरान खान के खिलाफ जहर उगलेंगे और मनफी प्रोपोगंडा करेंगे। तो लोगों के 15 करोड़ नौजवानों की जेबों में मोबाइल फोन है जी, वो उसको देख रहे हैं। और मैं मुझे डर है उस वक्त का कि जब पाकिस्तान की बजाय लोग बाहर के चैनलों को सुनना शुरू कर देंगे, और ये इस मुल्क की बड़ी बदनसीबी होगी। और ऐसा वक्त आने वाला है कि शायद लोग जो हैं मसाइल ज़्यादा लोग, आज आप देखें ना, 2000 रुपये मन गंदम को 4000 रुपये मन सिंध में कर दिया है, जहां 2 महीने तक बुआई नहीं होनी, किसी के पास गंदम का बीज ही नहीं होना, ना कपास होनी है, ना गंदम होनी है, ना गन्ना होना है, और टोटली फेलियर है, और गजाई किल्लत का बुरान पैदा हो जाएगा और मुल्क नहीं चलेगा। इलेक्शन कराने होंगे जी, किसी के बस का रोग नहीं है कि इस इलेक्शन की कॉल को या इलेक्शन को रोकना जो है वो कमअकली होगी और ज़हनी पस्ती होगी। जितनी जल्दी हुकूमत इलेक्शन की तरफ चली जाएगी, अपना बेहतर सोचेगी। एक बड़ा पत्थर था इमरान खान साहब ने उस दिन कहा, वो हमारे सर पे आ रहा था, वो इमरान खान इधर हो गया, इनके सर पे आ गया और भुसम कर दिया उस पत्थर ने इनको। ये इस काबिल ही नहीं है अवाम में जाने के, किस मुंह से ये इलेक्शन लड़ेंगे जी, किस मुंह से ये अवाम में जाएंगे। इनकी सूरत हाल बड़ी खराब है और ये अवाम में तो जा नहीं सक रहे, अवाम में तो जाने के काबिल नहीं है। अल्लाह साहब को अगर इमरान खान की गिरफ्तारी फर्ज दिखाई देता है तो लोग ये फर्ज जो है उसको कर्ज बमा सूद इनसे ले लेंगे और इनको अदा कर देंगे, ये इनकी भूल है। मैं एज ए 16 दफा वजीर रहा हूं, मैं फर्स्ट टाइम फील कर रहा हूं कि शायद ये लोग हम सब लोगों के हाथों से निकलते जा रहे हैं, हम सब लोगों के, हम अपोजिशन में होने के बावजूद लोग कहते हैं जी बिजली का बिल नहीं है और आप जो है वो। मैं ट्विटर पे क्यों गया हूं, मैं इसलिए ट्विटर पे चला गया हूं क्योंकि सच्ची बात कहने की TV पे गुंजाइश नहीं थी। मुझे पता होता कि इतने लोग ट्विटर देखते हैं तो मैं 5-7 साल पहले चले जाता, 4-5 महीने पहले क्यों जाता, क्योंकि लोग जो है जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमसे सुनना चाहते हैं, वो TV दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जब वो TV दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ऐसे फुसफुसा सा प्रोग्राम होगा, टैंटें फिश